इस वीडियो में बात करने वाले, अगर आपका सिविल स्कोर खराब है एंड काफी सारे लोन के लिए आप अप्लाई कर चुके हो बट एंड मोमेंट में आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है एंड अप्रूवल नहीं हो पाता है, तो फिर ये वीडियो काफी ज्यादा आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई होप इस वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक देखोगे। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में कहीं पर भी मैं आपको ऐप का नाम नहीं बताने वाला हूँ, बट अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको ऐप का नाम पता चल जाएगा कि कौन सा लोन ऐप है जहां से आप अप्लाई करके अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी आपको ऐसा यहां पर लोन मिल जाएगा। सो आई होप इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना देर के लिए अलाउ कर देना। तो यहाँ पर आ रहा है वेरीफाई दिस डिवाइस, इस पर मुझे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा उसके बाद आपके सामने यहाँ पर परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर अलाउ वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आ रहा वेरीफाई योर नंबर बाई सेंडिंग SMS, तो आपका नंबर यहाँ पर वेरीफाई करेगा। तो ठीक है, यहाँ पर आपको सेंड SMS वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर मैसेज में कुछ इस तरह से आ जाएगा ऑटोमेटिक टाइप। तो उसको आपको क्या करना है, जो भी सिम कार्ड है सेलेक्ट करके SIM 1 2, ठीक है, आपको यहाँ पर मैसेज सेंड कर देना है। मैं यहाँ पर सेंड कर देता हूँ, उसके बाद गाइस आपके सामने यहाँ पर मैसेज सेंड हो जाएगा सक्सेसफुली। देन आपको वापस फिर ऐसे ऐप पर आना है एंड उसके बाद आपके यहाँ पर लिखेगा वेरिफिकेशन फेल या फिर सक्सेस, जो भी लिखता है, ठीक है। अगर फेल लिख देता है तो आपको यहाँ पर डोंट वेरीफाई दिस डिवाइस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आ रहा है इनेबल स्क्रीन लॉक, बट आपको ऑफकोर्स यहाँ पर करना ही है इनेबल, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। तो ये चीज आपको एक्सेप्ट कर लेना, कुछ परमिशन रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। गाइस उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा अलाउ एक्सेस का, तो यहाँ पर अलाउ कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है, लोन का। यहाँ पर गाइस आप नोटिस करो, यहाँ पर टोटल 3 ऑप्शन आ रहा है। पहला है गिफ्ट कार्ड का, दूसरा है पे लेटर एंड तीसरा एक्सप्रेस कैश। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला बात ये, अगर पे लेटर करते हो तो वहाँ पर आपको क्या एज अ क्रेडिट कार्ड के जैसा आपको कुछ ना कुछ लिमिट मिल जाएगा 5-10 का, ठीक है, जो आपको ऐसा एक टाइम के अंदर ऐसा आपको पेमेंट करना है, 30 डेज 40 डेज के अंदर आपको उसको पेमेंट को फिर से रिफंड करना, मतलब वापस कर देना, ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है सेम उसी तरह से। बट अगर आपको यहाँ पर लोन चाहिए ज़्यादा, ठीक है, 40,000 50,000 35,000, ठीक है, जो भी, तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेस कैश वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टेंट लोन अप टू 5 लाख, यहाँ पर बोल रहा है आप 5 लाख से ऊपर का भी लोन आपको यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो मुझे लोन लेना है तो यहाँ पर एक्सप्रेस कैश वाले ऑप्शन पर मुझे क्लिक करना है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने बाद कुछ इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख रहा आ रहा है लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर जो भी आपका बेसिक डिटेल्स है, नाम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट कर लें एंड पिन कोड वगैरह जो भी एरिया पिन कोड वो आपको यहाँ पर सारा फिलअप कर लेना है, ठीक है। और भी यहाँ पर आपको पूछेगा मंथली इनकम, पैन नंबर एंड रीजन फॉर लोन। तो मैं यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपका जो है रीजन लोन लेने का वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड सबसे नीचे में आएगा चेक मार्क ऑप्शन, आगे एग्री, तो उस पर आपको क्लिक करके चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर आ रहा आपके सामने, यहाँ पर देख सकते हो गेटिंग थिंग्स रेडी। तो ये क्या करना, आपको यहाँ पर सेलेक्ट थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, कुछ सेकंड, उसके बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस मुझे यहाँ पर बोल रहा है यू आर एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस कैश। यहाँ पर 36,000 का मेरा ऐसा लोन दिख रहा है जो एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 36,000 तक का लोन मुझे मिल सकता है, ठीक है। अब गाइस इसको यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिक इस तरह से आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर टोटल 3 टर्म है, पहला सेलेक्ट योर EMI प्लान, दूसरा लिंक योर बैंक अकाउंट, तीसरा ई साइन योर एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप मुझे कंप्लीट करना है, उसके बाद आपका ऐसा लोन ऐसा आपके खाता में आ जाएगा। तो इसको मैं गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ रहा EMI प्लान आ रहा, ठीक है, 15 महीना का, 12 महीना का, 9 महीना का या फिर उससे और भी कम चाहिए। तो मैं यहाँ पर सी मोर प्लान पर क्लिक करके देख सकता हूँ एंड अपना जो EMI प्लान है वो अपना टाइम ड्यूरेशन एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मुझे 15 महीने के लिए रखना है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद कन्फर्म EMI फॉर 15 मंथ आ रहा नीचे में, तो उसको ओके करना है, ठीक है। बैंक डिटेल्स पूछ रहा है तो यहाँ पर बैंक डिटेल्स लिंक करना है, ठीक है, बट उसको मैं अभी यहाँ नहीं करता हूँ, सीधा मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आ रहा सेटअप ऑटो रिपेमेंट, तो ऑटो रिपेमेंट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसफर योर लोन अमाउंट लिख रहा है, तो यहाँ पर लोन अमाउंट मेरा ट्रांसफर
हो रहा है, ठीक है। तो गाइस इस तरह से आप ऐसे लोन ले सकते हो। अब बात आता है कि कौन सा ऐप है लोन ऐप, तो ठीक है आप, मैं आपको बता देता हूँ। सीधा आपको प्ले स्टोर पर जाना एंड वहाँ पर आपको सर्च करना है लेजी पे। जैसे सर्च करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप ऐप का लोगो देख सकते हो, कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपको इस पे लेटर वाले ऑप्शन पर नहीं क्लिक करना है। मैं पहले बताया था एक्सप्रेस लोन वाला पर क्लिक करना है तभी आपको मिलेगा, नहीं तो पे लेटर में लेकर के आप फंस जाओगे। तो वहाँ पर ऑप्शन में ध्यान देना, एक्सप्रेस केस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, एंड और भी लोन अर्निंग फाइनेंस से जुड़ी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।